अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद इंग्लैंड को होम सीरीज में शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद दोस्तों आईसीसी ने टेस्ट की टॉप 10 टीमों का ऐलान कर दिया। सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, इस सीरीज से कबल पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में किस नंबर पर था, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में कौन से नंबर पर आ चुके हैं, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली, लेकिन दोस्तों इन 2-3 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद दोस्तों आईसीसी ने टेस्ट की टॉप 10 टीमों की रैंकिंग जारी कर दी है। दोस्तों, बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे नाम आता है आयरलैंड का। इसके अलावा दोस्तों जिसके पॉइंट हैं 131, जबकि नंबर 9 पे नाम आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के पॉइंट हैं 1491, जबकि नंबर 8 पे नाम आता है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के जो रेटिंग पॉइंट हैं वो है 1992, जबकि दोस्तों नंबर 7 पे नाम आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के रेटिंग पॉइंट हैं 2060। नंबर 6 पे नाम आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दोस्तों टोटल रेटिंग पॉइंट हैं 2220, जबकि नंबर 5 पे नाम आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के रेटिंग पॉइंट 2271। नंबर 4 पे नाम आते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड के रेटिंग पॉइंट 243। नंबर 3 पे नाम आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के रेटिंग पॉइंट 2109। नंबर 2 पे नाम आते हैं इंडिया। इंडिया के रेटिंग पॉइंट 3498। नंबर 1 पे नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों रेटिंग पॉइंट है 3715। लेकिन दोस्तों जो मज़े की बात है वो ये कि पाकिस्तान इस सीरीज से कबल पाकिस्तान की जो पॉइंट दोस्तों पोजीशन थी वो 10वीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान 7वें नंबर पर आ चुका है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच सीरीज खत्म होने के बाद टॉप 10 टीमों की रैंकिंग।